अब डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, तो मैट्रिक्स आपका हो गया, अब डिटरमिनेंट पे आते हैं। क्लियर? चलिए अब देखो इसमें क्या होता है, ये 2x2 का रहता है, ठीक है, तो ये 3x3 का रहता है। चलिए तो देखो इनको सॉल्व करने के लिए जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस इस तरह तीन हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कोई भी दो नेगेटिव या कोई भी दो पॉजिटिव साथ साथ नहीं आते हैं इसमें, ठीक है, डॉट 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 ये प्रोसेस गोइंग ऑन रहता है। तो हमारे मैक्सिमम 3x3 के ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? चले चलो चले, अब इधर देखिए, अब इधर देखो ये एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। जैसे मान लो 3x3 का आपको सॉल्व करना है, ठीक है, चले a1 b1 c1, a2 v2 c2, a3, चले अब इसको सॉल्व करेंगे, a3 b1 b3 c1 c2 c3, a1 a2 a3 b1 b2 और b3। चलिए ये होगा, इसके बाद ठीक है इनका मल्टीप्लाई करते माइनस लगा के, दो और तीन, क्लियर हुआ, ये माइनस में जाए, क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। चलिए तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इस टाइप का बन जाएगा आपका। चलिए प्रॉपर्टी आपके सिलेबस से हटा दी गई है, ठीक है, तो ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टीज नहीं आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आपके सिलेबस से हटा दी गई है, ठीक है। तो ठीक है माइनर और को फैक्टर की बात करते हैं हम यहाँ पे। चलिए माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इधर देखिए कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है और माइनर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर, जैसे मान लो हमको m11 निकालना है तो क्या हो गया ये a2 a23 32 a33, क्लियर क्लियर हुआ, तो ये माइनर हो गया, तो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब देखो माइनर और को फैक्टर में मीनिंग क्या होता है, कोई भी अगर माइनर होता है, ठीक है, m11 m12 m13 m21 m23 m33 M31 32, चलिए चलिए चलिए, अब इधर देखिए अगर हम इनको प्लस माइनस प्लस, चलिए A11 A12 चलिए
क्लियर हुआ। तो इधर देखिए, अगर हम माइनर को अगर साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे प्लस माइनस से, तो वो आपका कोफैक्टर हो जाता है। क्लियर हुआ? चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जांपल 13, द कोफैक्टर ऑफ 4 एलिमेंट, यही है, इसका हमको कोफैक्टर निकालना है। चलिए अब देखो, ये हो गया। तो इसका अगर साइन लाइन प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसका तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आ गया, माइनस कोफैक्टर निकालना है 4 का, ठीक है। अब ये और ये एलिमेंट हटा दो, तो क्या बच रहा है ऊपर, 131 801 021। सॉल्व करो, माइनस ये होगा कैलिब्रेट, 1 को ले लो तो इधर क्या मिलेगा, 0 -2 -3, एट जीरो जीरो माइनस टू, चल क्लियर हुआ, माइनस पहले से ही। अब 16 को तो 4 4 8 10, तो प्लस का 10, बी आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये दिया है, a1 b1 c1, डिनोट द कोफैक्टर्स a1 b1 c1, ठीक है। तो मोड ए मोड बी मोड सी की वैल्यू हमको निकाल लेंगे, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, डेल्टा डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर लो। चलो तो यहाँ पे डेल्टा डैश इक्वल टू एन माइनस जी प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी। चले चले, अब हम आ जाते फिफ्थ पे, ठीक है। चलिए, इफ द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज 11, ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्क्वेयर ऑफ डिटरमिनेंट्स फॉर्मिंग द कोफैक्टर विल, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा डैश इक्वल डेल्टा एन माइनस वन, तो डेल्टा तो 12 है, 3 - 1 1 2 1, क्लियर, बी आंसर। चलिए अब प्रॉपर जो क्या प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, ये नॉर्मल रहता है। चलिए चलिए सम स्पेशल डिटरमिनेंट, सेमेट्रिक सेमेट्रिक, चलिए अब डिटरमिनेंट की यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते, बोर्ड में एनसीईआरटी के हैं आपके। चलिए तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो ये अगर सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4 = 8 हो गया, ठीक है। अगर सेकंड की बात करोगे तो यहाँ पर हो जाए x²(-1, x+1) x²(-1)
तो ये आपका हो जाए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ये जो कैंसिल आंसर वन। नेक्स्ट पे आ जाओ। थर्ड को जब सॉल्व करोगे आप, थर्ड को तो वन तो ये हो जाएगा जीरो माइनस जीरो टू, जीरो माइनस जीरो फोर, माइनस वन माइनस बारह, माइनस 52 आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा जीरो और साइन बीटा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा तो साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉमन ले तो रोवाई कॉलम से किया होगा तो जीरो माइनस 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 प्लस जीरो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए एरिया की बात करो, तीन पॉइंट दिए गए हैं। चलिए एरिया को तो ये तीन पॉइंट दिए गए हैं आपको, तो वन बाई थ्री में ये पुट कर दो, सॉल्व कर लो। थ्री टू माइनस वन एट, माइनस फोर माइनस फाइव वन, माइनस फोर माइनस टेन। ठीक है, इनको कैलकुलेट करेंगे तो बना वाई टू ये हो गया आपका थ्री प्लस सेवन टू टू फोर्टी, 61 अपॉन टू आंसर हो गया। चलिए ऐसे इसको निकालो एरिया को। चलिए माइनर निकालना है एलिमेंट सिक्स का, इसका क्या माइनर निकालना है तो एम टू थ्री यही हो जाएगा, तो इसमें क्या वन टू सेवन एट तो ये होगा एट माइनस फोर्टी माइनस सिक्स आ गया इसका। ठीक है, चलिए ये आ जाओ, इसमें क्या सभी एलिमेंट के को फैक्टर निकालना है। को फैक्टर एम वन वन ले लो या सी वन वन, ए वन टू प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर माइनस प्लस टू और प्लस का वन, ये आपका को फैक्टर आ गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ। इस पे आया ए वन टू को निकाला तो माइनर को फैक्टर वैसे ही निकलेंगे। चलिए इलेवन पे आ जाओ। गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, इलेवन में क्या ए वन वन एलिमेंट बताइए,
A31, A32, A33, ये सभी पॉइंट निकालोगे, ये हमने यहाँ पे पॉइंट निकाले, इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था।